परीक्षा लेना चाहते हैं सही तरीके से, एग्जाम में किसी तरह का जो धांधली होता है, बहुत सारी बातें उन्होंने बताया जो चीज़ हम लोग नहीं जान रहे थे किस तरह धांधली होती है। तो हमें अच्छा लगा कि कोई अध्यक्ष है जो कम से कम वो चीज़ भी बात खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बीपीएससी के अंदर क्या होता है, वो चीज़ सार्वजनिक हम नहीं बोल सकते। अच्छा लगा हमें, हम भरोसा भी थोड़ा कर सकते हैं, पूरा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हम कानूनी सलाह लेंगे, जैसे बीपीएससी के विज्ञापन में ऐसा लिखा रहता है कि एक पानी में एग्जाम होगा, तो ये चीज़ आप लोग भी देखिएगा विज्ञापन में है या नहीं। अगर ऐसा लिखा होगा उन्होंने कहा जो जो कानूनी रूप से होगा हम वही करेंगे, लेकिन दो शिफ्ट में हम एग्जाम इसलिए लेना चाहते हैं ताकि एग्जाम सही से हो, सेंटर अच्छा लगे। यही वजह एक एक दिन में हमें सेंटर नहीं मिला, अगर दो एक शिफ्ट में कहिएगा तो हमें 5 महीना 6 महीना बाद क्या होगा। अरे बात सुनो यार, रुको यार सुन लो पहले, परसेंटाइल हटा देंगे तो नवंबर में हमें जानते ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आप छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आप छात्रों से भी राय विमर्श कर लीजिए। हमने कहा कि हम अपने मन से कुछ नहीं बोलेंगे, छात्रों से हम राय विमर्श करेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, छात्र जो कहेंगे हम वो फिर आएंगे। तो बुधवार को हमें फिर से आने के लिए कहा ठीक है, बुधवार को आप लोगों से राय विमर्श किया जाएगा और उसके बाद बुधवार को हम लोग देखो ऑनलाइन मीटिंग करवा लेंगे, ऑनलाइन ठीक है, होगा होगा भैया। दो शिफ्ट में नवंबर हो जाएगा एग्जाम भैया, हाँ दो शिफ्ट में नवंबर हो जाएगा, ऐसे ही हटा के दो शिफ्ट में नवंबर नहीं ना फायदा था, और क्या होगा वही बोल रहा, वही बोल नहीं होना चाहिए।